मैं संगीत क्यों सिखाता हूँ? मुझे पहले पूर्ण सीख लेना चाहिए, फिर ही YouTube पर या कहीं भी संगीत की शिक्षा देनी चाहिए। यह सलाह मुझे बहुत लोगों ने दी है, YouTube कमेंट्स में हो, मिलकर हो, बहुत लोगों ने कहा है कि तुम्हें भी सीख लेना चाहिए, फिर तुम्हें सिखाना चाहिए। स्वाभाविक बात है, पूर्ण सत्य है ये भी। तो मेरी वजह क्या है YouTube पर ये वीडियोज़ देने की, वहाँ सिखाने की, या ये जर्नी कैसे शुरू हुई, आज मैं उस पर बात करूँगा। हो सकता है ये वीडियो डायरेक्टली कोई ट्यूटोरियल नहीं है, इससे मैं डायरेक्टली कोई चीज़ सिखाने की या बताने की कोशिश नहीं कर पाऊँगा। मगर हाँ, अगर मेरी जर्नी से जिस दौरान मैंने सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ, और क्यों मैंने सिखाना शुरू किया और कैसे क्या हुआ, अगर उस जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वो बात अलग है, इनडायरेक्टली अगर आप सीख पाएँ तो। वरना मैं कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, कोई एक टॉपिक नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई पलटा नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, कोई टॉपिक नहीं है, कोई सवाल नहीं है आप लोगों का जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैं उमूमन करता हूँ। आज मैं अपनी सिखाने की जर्नी एंड मैं अब तक क्यों सिखा रहा हूँ, बावजूद इसके कि लोग नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग नहीं चाहते हैं, मगर कुछ लोग चाहते भी हैं, तो आज उस पर बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, कोशिश करता हूँ अपनी जर्नी को शुरू से अब तक बताने की शॉर्ट में। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए तो थोड़ा बोर भी हो जाओ आप लोग, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट में बताने की। लॉन्ग में किसी और दिन अगर कोई इंटरव्यू मेरा लेता है तो उस दिन बता दूंगा, लेकिन हाँ आज मैं शॉर्ट में इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गर शराब पियो, गर शराब पियो, बढ़िया पियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल की शुरुआत 2012 में हुई, तब इस चैनल का नाम अवध किशोर पांडे ही था, क्योंकि स्वाभाविक है गूगल आईडी से आपका चैनल बनता है, तो अवध किशोर पांडे के नाम से मेरे पिता गुरु ने इस चैनल का निर्माण किया। और इस चैनल पे उन्होंने सबसे पहले संगीत प्रवाह के, तब इसमें वर्ल्ड भी नहीं जुड़ा हुआ था, संगीत प्रवाह धारावाहिक जो हमारा है उसके एपिसोड्स को अपलोड किया, और कुछ उनके स्टूडेंट्स के वीडियोस थे वो अपलोड किए। धीरे धीरे ये चैनल ग्रो करने लगा, लगभग साल भर लगा इसको ये समझने में, क्योंकि ये 2012 की बात है, तब जियो नहीं हुआ करता था, तो इंटरनेट जो था या डिजिटलाइजेशन तो जो थी वो उतनी चरम सीमा पे थी नहीं कि सब लोगों तक पहुंच सके। विदेशों में उतना हुआ करता था इंटरनेट, तो हमारे यहाँ तो बहुत कम ना रिचार्ज होते थे, डोंगल्स पर डे का रिचार्ज करा लेते थे, MB के रिचार्ज होते थे, ये वो टाइम है, GB के भी रिचार्ज नहीं होते थे, MBs में लोग रिचार्ज कराया करते थे। तो उस समय ये चैनल शुरू हुआ, और पिताजी ने भी इंटरनेट को जाना क्या होता है क्या नहीं होता, मैं तो छोटा था, मुझे तो आइडिया भी नहीं। 1999 का मेरा जन्म है, तो 2012 में अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरी क्या उम्र रही और क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, कि इंटरनेट से या कंप्यूटर से मेरा उतना खास कोई वास्ता था नहीं। हाँ, हमारे स्कूल्स में कंप्यूटर्स थे तो वहाँ थोड़ा बहुत सीखा इंटरनेट का, लेकिन कोई ऐसी खास जानकारी नहीं थी। तो मेरे पिताजी ने ही ये चैनल की शुरुआत करी। अब वो कैसे हुई क्या हुई उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, आज मैं अपनी सिखाने की जर्नी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि 2012 से पहले वैसे तो देखा जाए तो मैं बचपन से सीख रहा हूँ, जब से होश संभाला है तब से पिताजी ने कोशिश यही करी कि तुम सीखो, बैठो, और मैं छोटे बच्चे की तरह नहीं बैठता था, भागता था, उद्दंड था, थोड़ा संगीत से दूर रहता था, उतनी खास मेरी दिलचस्पी नहीं थी बचपन से ही, है ना। अब लोग कहते हैं कि भाई आप तो म्यूज़िक के ख़ानदान में पैदा हुए हो तो आप बचपन से ही संगीत करते होगे, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ खास था नहीं, मेरी दिलचस्पी जो थी वो संगीत में उतनी खास कभी रही नहीं, रुचि कभी थी ही नहीं। मेरी बहनों को थी, मेरी बहनें हमेशा पिताजी के साथ रहती थी, पिताजी उनको गवाते थे क्योंकि सुर में थी, मैं ना तो सुर में था, ना लय में था, ना ताल में था, और आज भी बहुत कम हूँ ऐसा मेरा मानना है। तो उन्हें कॉम्पिटिशन्स में ले जाना हो या प्रोग्राम्स कराने हो, वो उनके साथ होता था, मुझे तो पूछा भी नहीं जाता था, क्योंकि पूछते भी थे तो मैं बैठता ही नहीं था, तो पूछेंगे क्या। फिर धीरे धीरे न जाने कैसे कुछ कुछ चीज़ें रहीं, कुछ कुछ कारण रहे कि मैं संगीत में आया और इस विषय में मेरी दिलचस्पी होना शुरू हुई, तो मैं सीखना शुरू किया। थोड़ा बहुत बैठता, हारमोनियम बजाता था, गाता तो मैं तब भी ढंग से नहीं था, सुर एक मेरा लगता नहीं था, तो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता था मैं, मतलब गाने के बजाय, ऐसा मुझे पिताजी बताते हैं। तो कभी उन्होंने मुझे गवाने की खास कोशिशें करी नहीं,
दूसरे स्टूडेंट्स को सिखाते थे, मुझे तो उतना सिखाने के लिए कभी वो बिठाते भी नहीं थे, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बैठता था, तो वो क्या कोशिश करते, स्वाभाविक सी चीज़ है, प्रयास आपको खुद को करने पड़ते हैं। तो इस तरह से मेरा सीखना शुरू हुआ, लेकिन फिर जब मेरी दिलचस्पी बढ़ी तो मैंने खुद से बहुत कुछ इसमें करने की कोशिश करी, पिताजी की बताई गई चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करी, जो जो वो काम देते थे मैं उसे करता था, टारगेट्स जो जो हमें मिलते थे वो हम पूरे करते थे। फिर जैसा कि मैं बता रहा था YouTube चैनल, तो 2012 से मान लीजिए 13 लगभग साल भर बाद किसी सज्जन का फ़ोन मैसेज आता है पिताजी के पास कि हम आपके एपिसोड्स देख रहे हैं और हमें नेक्स्ट एपिसोड चाहिए। तो गुजरात के वो बेसिकली थे, आई डोंट नो वो ये वीडियो देखेंगे या नहीं, मगर हाँ उनका नाम और जगह मुझे आज तक याद है, क्योंकि ही वॉज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन ना, उन्होंने एक तरह से संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल की शुरुआत करी है। वो नहीं होते तो मेरे ख्याल से न हम आगे वीडियोस वगैरह डालते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था ना कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, तो हम आगे काम क्यों करते। सो दिनेश पटेल उनका नाम था, नाम है मेरे ख्याल से, वो अब भी जीवित हैं, अमेरिका के वो वासी हैं और गुजराती हैं वो। तो उन्होंने पिताजी को कहा, फिर जैसे तैसे करके उसी के कुछ समय बाद ही, जैसे ही उनका फ़ोन आया उसके कुछ दिनों में ही मेरे ख्याल से पिताजी को जागा ये कि चलो मतलब कोई देख रहा है, मतलब हमें काम करना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो वो एक उम्मीद पिताजी को लगा कि हाँ कोई है जो देख रहा है। YouTube का कुछ भी नहीं मालूम था, व्यूज़ कैसे आते हैं, कमेंट्स बहुत कम आते थे तो पता नहीं पड़ता था कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, व्यूज़ नहीं होते थे इतने खास। तो उस इंसान की वजह से चैनल पे फिर से काम शुरू हुआ, और तब तक मैं थोड़ा बहुत गाता बजाता था, तो पिताजी ने ही डोर संभाली, स्वाभाविक है वही फेस थे संगीत प्रवाह के, तो उन्होंने ही वीडियोज़ की शुरुआत करी। और हम लोग सब ग्रुप में होते थे, जितने भी स्टूडेंट्स होते थे हम लोगों को सबको वो प्रैक्टिस कराते थे, निर्देश देते थे कि ये करना है वो करना है, और हम लोग वो गाते बजाते थे। अच्छा, शुरुआती एपिसोड्स में करना ही क्या था, जो हमें आता था वही गाना बजाना था, उतना हमारे लिए मुश्किल था नहीं, अलंकार था, आठ पेच, ये तो करे हुए थे, गाते बजाते तो हम ऑलरेडी थे जितने भी विद्यार्थी थे, लेकिन हाँ इनिशियल एपिसोड्स हैं तो उसमें स्वाभाविक है कि वही चीज़ें सिखाएंगे बच्चों को, तो उसके लिए हमें तैयारी खासा करनी नहीं पड़ती थी। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया जब एपिसोड्स का क्रम, तो हमें लगा कि यार ये तो, क्योंकि पिताजी ने एक बार जब बनाना शुरू किया वीडियोस तो ही वॉज अनस्टॉपेबल, फिर वो हर दूसरे दिन हर संडे कैमरामैन को हायर करना और स्क्रिप्टिंग करना, उनमें एक अलग जोश फिर से आ गया था, क्योंकि एक उम्मीद जाग उठी थी कि कोई देख रहा है कोई सीख रहा है, तो वो जो सिखाने की उनकी जिज्ञासा है वो और बढ़ गई। ऑफलाइन क्लासेस तो हमारी चलती ही थी, लेकिन ये देखना कि दुनिया में लोग सीख रहे हैं, तो वो फिर उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू किया, और फिर जिस क्रम से जिस तेज़ी से वो बढ़ रहे थे तो हमें जितना आता था वो तो जल्दी से निपट गया, तो अब हमें भी एपिसोड्स के लिए सीखना शुरू करना पड़ा। तो आगे के जो एपिसोड्स बन रहे थे उसमें वो सारी चीज़ें हमारे लिए भी नई थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई मेरी सीख कर सिखाने की, कि जो जो हम सिखा रहे थे, जो जो एपिसोड्स बना रहे थे, वो फलां राग के हों, अलंकार के हों, किसी के भी हों, वो सारी चीज़ें पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ रही थी। तो हफ्ता दो हफ्ता उस टॉपिक का हम प्रैक्टिस करते, अगर वो टॉपिक ज़्यादा डिटेल है तो महीना भर भी हम प्रैक्टिस करते, फिर वीडियोस बनते। तो आप देखेंगे हमारे इनिशियल एपिसोड्स जो हैं उनकी अपलोड रेट ज़्यादा है, और फिर धीरे धीरे उसमें वक्त ज़्यादा लगने लगा कि अब अगला एपिसोड एक महीने बाद आ रहा है, अगला दो महीने बाद आ रहा है, क्योंकि हम खुद भी प्रैक्टिस कर रहे थे, खुद भी सीख रहे थे। तो पिताजी ने रादर देन बीइंग हिमसेल्फ ऑन द इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा, उन्होंने कैमरा के बैक में डोर संभाली, क्योंकि कब तक कैमरामैन को बुलाते, कब तक खर्च करते, तो खुद ही इक्विपमेंट जुटाया। पहले हम फ़ोन से वीडियोस बनाने लगे, तो फ़ोन से वो वीडियो बनाते डायरेक्शन, क्योंकि उनके अलावा कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि म्यूज़िक का काम है ना, आप जिस कैमरामैन को बुला रहे हो वो तो शादी पार्टियों में वीडियो बनाता है या फलां किसी कॉरपोरेट इवेंट में वीडियोज़ बनाता है, तो उसे आइडिया नहीं है म्यूज़िक में वीडियोज़ कैसे बनाए जाते हैं। तो अब कोई डायरेक्टर नहीं, कोई टीम नहीं, वन मैन आर्मी लेकर उन्होंने शुरू किया ये, तो कैमरा के पीछे फ़ोन से उन्होंने बनाना शुरू किया। तो स्वाभाविक है अगर वो कैमरा के पीछे जाएंगे तो फ्रंट में किसी को बैठना पड़ेगा। तो रादर देन हिम डूइंग एवरीथिंग, उन्होंने बच्चों को कराना शुरू किया और फ्रंट में बच्चों को रखा, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ये चीज़ साफ दिखती है कि अच्छा आपने सिखाया है तो कौन सीखा है, वरना अगर गुरु खुद बता ही रहे हैं तो ये विश्वास कम होता है। ये पिताजी ने हमेशा से किया, जिस स्कूल में भी उनकी नौकरी रही संगीत अध्यापक के तौर पर, वहाँ भी जो म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स होते थे, असेंबली होती थी, कोई प्रोग्राम होता था, तो वो खुद नहीं गाते बजाते थे, बच्चों से करवाते थे। अब देखने में तो ये लग रहा है कि यार ये खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब इनको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन एक बुद्धिमान एक समझदार व्यक्ति ये समझ जाएगा जब इस आदमी ने इतने छोटे छोटे बच्चों से करवा दिया है तो सोचिए इनके पास क्या क्या होगा। ये एक बात है, इससे एक ये सवाल भी आप लोगों का हल हो जाता है, क्योंकि मैं YouTube पे नज़र आता हूँ ना, तो कई लोग ये कहते हैं कि पंडित अवध किशोर पांडे को क्या आता है,
क्योंकि वो तो कहीं गाते बजाते नज़र नहीं आते, तो उनको संगीत नहीं आता है इसका मतलब, क्योंकि गाता बजाता तो मैं नज़र आता हूँ। इस पर मैं सेपरेटली किसी और दिन बात करूँगा कि एक गुरु और एक कलाकार में क्या फ़र्क होता है आज, लेकिन हाँ थोड़ी सी ये उसकी झलक मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा उन्होंने किया और आज भी ऐसा क्यों है। तो स्कूल्स में भी ऐसा ही होता था, उसके बाद यूट्यूब पे भी ऐसा ही होने लगा, हम लोग फ्रंट में आ गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो टीम थी वो धीरे धीरे छंट गई। ऐसा नहीं है कि मैं ही चाहता था कि नहीं मास्टर निषाद का एक नाम बने, ऐसा नहीं है। हम तो टीम वर्क, SPW इज़ अ टीम, तो हम तो टीम लेकर चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो टीम छंट गई, वो टीम बंट गई और मैं अकेला रह गया। ऐसा हुआ है, पुराने अगर आप एपिसोड्स देखेंगे तो उसमें मैं अकेला नहीं होता हूँ, मेरे साथ पूरी टीम होती है, और हाँ कहीं ना कहीं मैं उसे लीड कर रहा हूँ ये कह सकते हो, लेकिन कई जगह ऐसा है कि मैं लीड भी नहीं कर रहा हूँ। वी आर यू नो वो डिवाइडेड है, ये पोर्शन मैं बताऊँगा, वो पोर्शन कोई और बताएगा, ये पोर्शन कोई और बताएगा, इट वॉज ऑल स्क्रिप्टेड इन यू नो इन द प्रीवियस एपिसोड्स। तो ये उस तरह से चला करता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि वो टीम बंट गई, छट गई, हम सब बड़े हो गए, जैसे वो एक चीज़ है ना, जैसे हैरी पॉटर मूवी बनी थी, तो अब वो शुरू हुई तो उसमें जब जितने थे डैनियल रैडक्लिफ और वो सारे जो एमा यू नो जो एक्टर्स हैं वो सब छोटे छोटे थे, और वो छोटे छोटे ही बड़े होते गए क्योंकि वही एक्टर्स इस्तेमाल हुए। तो उसी तरह से हमारे साथ भी हुआ, मैं छोटे से बड़ा ऑन द सेट हुआ हूँ एक तरह से। तो उसके बाद वो सब तो चले गए, बड़े हो गए, उन सब ने अपनी फील्ड्स बदल दी, लेकिन मेरा फील्ड नहीं बदला, मैं संगीत में ही रहा, एंड आई kept on you know delivering the content, I kept on learning and teaching, करता रहा। बचपन में भी ऐसा ही होता था, जब हम लोग कुछ सीख लेते थे तो पिताजी ऐसा ही करते थे कि जो सीनियर स्टूडेंट है वही जूनियर स्टूडेंट को चेक करता था। उन्होंने ऐसा ही किया, कभी भी ये नहीं किया कि नहीं मैं ही गुरु हूँ मैं ही सिखाऊंगा, नहीं, उन्होंने हर व्यक्ति के अंदर का गुरु पन पाया है, क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज़ समझाते हैं तो ये चीज़ अश्योर हो जाती है कि वो चीज़ आपको समझ आती है। जैसा मैं कहता हूँ कि सिखाने और सीखने में ये तीन स्टेप्स तो होते ही हैं किसी टॉपिक को लेकर, कि मैंने आपको समझाया, आपने समझ लिया, अब आप मुझे समझाओ कि आप क्या समझे, ताकि मैं ये समझ जाऊँ कि आप समझ गए हो। तो ये जो तीन स्टेप हैं कि मेरा समझाना, आपका समझना, और फिर पलट कर मुझे समझाना कि हाँ ये मैं समझाऊँ, ये स्टेप्स अश्योर करते हैं हाँ ये टॉपिक आप जान चुके हैं। तो यही पिताजी हमसे भी करवा रहे थे। इसमें कहीं भी मेरी एरोगेंस नहीं थी कि मुझे बहुत आता है इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ, या इसमें कहीं भी ये नहीं था कि हाँ मुझे तो आता है इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ, नहीं, मैं वो चीज़ तैयार करता था और बताता था, आई वॉज हेल्पिंग ऑलवेज। उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ, वो टीम जब अलग अलग हो गई और मैं अकेला बच गया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पिताजी मेरी तब भी उतनी दिलचस्पी नहीं थी कि मैं यूट्यूब पे यू नो आई एम अ यूट्यूबर या मैं सिखाता हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक गुरु हूँ, वो मेरी कभी आइडेंटिटी मैंने अपने आप को दी ही नहीं। शुरू में भी ऐसा ही होता था कि पिताजी मुझे बोल रहे थे कि ये टॉपिक है इस पर तुम्हें बताना है, ठीक है, मैं प्रिपरेशन करता था, स्क्रिप्टिंग करता था, जो मेरी जानकारी होती थी शास्त्र पढ़ता था, लोगों से पूछता जानता था। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरी खुद की दिलचस्पी बढ़ने लगी, क्योंकि लोग पूछने लगे, लोग सवाल करने लगे, तो मुझे लगा इन सवालों का जवाब मैं भी दे सकता हूँ, मुझे मालूम है। सो आई स्टार्टेड गिविंग दोज आंसर्स अकॉर्डिंग टू मी, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ये होती है, मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ ये होती है। मैंने कभी कहीं क्लेम नहीं किया कि ये चीज़ ऐसे ही होती है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, नो नॉट एट ऑल। और मैंने हमेशा यही कहा कि ये चीज़ एक एक्सरसाइज है जो मैंने सीखी है और इसका एक बेनिफिट है, आप करके देखिए शायद आपको भी समझ आए। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि शुरुआती वीडियोस में क्योंकि अभी भी मैं बच्चा ही हूँ, आई एम स्टिल 22, 23 एंड उस समय मैं और छोटा था, 10 से 12 साल का एक लड़का अगर कोई चीज़ बता रहा है तो स्वाभाविक है कि मेरा नेचर भी उतना परिपक्व नहीं हुआ था, तो हो सकता है उन वीडियोज़ को देख के किसी को लगता हो कि यार ये छोटे मुँह बड़ी बात कर रहा है, इतना सा लड़का है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बट माई लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट, मैंने बचपन से ऐसी ही बातें सुनी हैं, मैंने बचकानी बातें सुनी ही नहीं तो मैं बचकानी बातें करूँ कहाँ से। जैसा सुनते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा जिस माहौल में आप रहते हैं वैसे आप बन जाते हैं। आज भी मेरी उम्र के जो दूसरे लड़के लड़कियाँ हैं वो मुझे देखकर यही अलग ही महसूस करते हैं कि ये जैसा कि हमसे बड़ा है हमारी उम्र से, क्योंकि मेरी बातें वैसी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक ढोंग रच रख रखा है, क्योंकि कई लोग ये करते हैं कि यार ये तो बड़ी बड़ी बातें करता है, है ना, एक्ट करता है बड़ा होने का, ऐसा नहीं है। मैं बहुत बचकाना इंसान हूँ, मेरे अंदर का बच्चा जो है मैं कभी उसको मैंने मारा नहीं, और वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, और वो उसको मैं कभी मुखौटा बनने दूंगा नहीं, है ना, कि वो मेरा असली चेहरा बन जाए कि यू नो मैं वैसा ही हूँ सीरियस एंड ऑल, मैं हूँ नहीं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मेरी पर्सनल क्लासेस में भी होते हैं, ऑफलाइन जो मुझसे मिले हैं, वो जानते हैं कि मैं कितना बचकाना हूँ या कितना मस्ती खोर हूँ या कितना टाइम पासी व्यक्ति हूँ। सीरियस बातें मैं सीरियस काम के वक्त पर ही करता हूँ जब ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान बन गया हूँ और यू नो मैं वैसा ही हूँ, वो मैं हूँ नहीं असल में।
हर जगह का किरदार होता है, आपको निभाना पड़ता है। अगर मैं कोई सीरियस बात बता रहा हूँ तो मुझे सीरियसली ही बतानी पड़ेगी, अगर मजाक मस्ती में बताऊँगा तो कोई सुनेगा नहीं, सीरियसली नहीं लेगा, तो वो चीज़ है। खैर ये एक प्रोसेस रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने जो जो चीज़ें सीखी वो सिखाना शुरू करी। अब उसमें वजह बदलती रही, मेरे सिखाने की वजहें जो हैं वो बदलती रही हैं। शुरुआत में वो वजह कुछ और थी, वो सीखना ही था, और आज भी सीखना एक मुख्य वजह है ही है, लेकिन अब वो वजह थोड़ी सी सोशल वर्क में तब्दील हो गई है। अब वो कुछ, क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक सोशल वर्कर हैं, उन्होंने इसमें पढ़ाई भी करी है और ऐसा उनका उनका नेचर भी है, तो ऐसा उनका नेचर है तो वही है ना कि पिता का अंश आप में आता है, तो मुझ में भी आ गया कि मुझे भी मदद करना अच्छा लगने लगा। जहाँ मैंने जो चीज़ सीखी मैंने वो बांटना शुरू कर दिया। और इसका एक मुख्य कारण ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स जब मैंने कोई चीज़ सीखी है, मुझे कोई चीज़ मिली है, उस चीज़ में एक तासीर है कि वो चीज़ आपको, वो कोई कंटेंट हो, कुछ भी चीज़ है, वो एक अलंकार, पलटा, राग, कोई लर्निंग मैंने अगर ली है तो उसमें वो ताकत है कि वो आपको बदल सकती है। तो मैं अपने तक क्यों सीमित रखूँ उसे। और सेकेंडली ये कि अगर मैंने वो अलंकार या पलटा या वो टेक्निक सीखी, अब मैं उसका रियाज नहीं कर रहा हूँ, तो व्यर्थ हो गई, वो वेस्ट हो गई। तो रादर देन वेस्टिंग इट आई शुड पास इट ऑन, किसी को दे दूँ, शायद वो करे, उसके काम आ जाए, है ना। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे काम नहीं आ रही है, तो किसी के तो काम आएगी। तो उस सोच से मैंने चीज़ें बांटना शुरू करा कि मेरे पास जो कुछ आए मैं दे दूँ। ये मेरे पिताजी का नेचर है और यही मैंने अक्वायर किया। उसके बाद धीरे धीरे आज की तारीख में ये है, हाँ तब जैसे वो बचपन में वो परिपक्वता नहीं थी, आज की तारीख में है कि मैं थोड़ा धैर्यपूर्वक या कामनेस से कोई बात बता पाता हूँ, या मेरे लहजे में वो चीज़ न झलके इसकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एरोगेंट हो रहा हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा आता है इसीलिए मैं उस तरह से मेरी टोन हो रही बताने की। नहीं, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मेरी टोन में कभी ये ना झलके, मेरे हाव भाव में ना झलके। कई लोगों को मेरा हाव भाव नहीं पसंद है कि जिस तरह से मैं बात करता हूँ, जिस तरह से मैं बताता हूँ तो उसमें थोड़ी एरोगेंस झलक जाती है, जिस तरह से मैं बैठता हूँ उस तरह से। सो आई हैव यू नो चेंज्ड इट एंड आई विल कीप ऑन चेंजिंग इट। वो चीज़ में मैं बदलाव करता रहूँगा कि अगर मेरे अंदर की जो ह्यूमिलिटी है, जो मैं हम्बल अगर हूँ, तो वो नज़र भी आए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गलती से भी किसी के पाँव पे पाँव आ जाए, वो वाली बात है कि ऑपरेशन यू नो हो जाए कि मैं नीचा दिखा रहा हूँ। हो जाता है कई बार, मैंने कई जगह कोशिश करी है कि अगर मैं लाइव भी कहीं बैठा हूँ और मुझे किसी ने कोई चीज़ सुनाई और पूछी, बिकॉज देखो क्या होता है ना, अनवांटेड अटेंशन मिलता है, मेरी लाइफ में ऐसा होता है, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं खुद भी कॉलेज जाता हूँ, तो वहाँ अनवांटेड अटेंशन मिलता है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वहाँ यूट्यूब पर इतना बोलता हूँ तो मैं तो ऐसा ही होऊंगा, तो उनको लगता है कि यार ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। मैं खुददार हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, जो मुझे आता है मैंने फ़ख्र है, मैंने मेहनत से सीखा है, और जो मुझे नहीं आता है उसे मैं साफ कहता हूँ कि मुझे नहीं आता है। मैंने कहीं भी जो चीज़ मुझे नहीं आती उस पर यह दावा नहीं किया है कि मुझे ये आता है। जैसे आज की तारीख में मैं बड़ा ख्याल इतना अच्छे से नहीं गा सकता, मैं ध्रुपद गायकी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मेरे सुरों में मेरी उतनी पक्कापन नहीं है, मेरी लयकारी थोड़ी अच्छी है ये मैं जानता हूँ क्योंकि वो मैंने मेहनत से हासिल करी, और स्वर मैं धीरे धीरे हासिल कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये आते आते आने वाली चीज़ है। आप मेरे आज से 10 साल पुराने वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैं जितना बेसुरा था, अगर मैं आज भी उतना ही बेसुरा हूँ तो मुझे संगीत छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि आज से 10 साल पुराने जो मेरे वीडियोज़ हैं उसमें मैं जितना बेसुरा हूँ आज भी उतना हूँ। नहीं, आई हैव ग्रोन एंड आई विल कीप ऑन ग्रोइंग, दैट इज़ वॉट आई हैव लर्न्ड, कि मैं ग्रो करता रहूँगा। और अगर इस ग्रो करने की जर्नी में मेरे साथ जो लोग आते हैं उनकी मैं मदद कर दूँ जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम और आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी के पास सीखना, हर कोई नहीं कर सकता। तो अगर मैं चार ऐसे लोगों की मदद कर रहा हूँ, इसमें कई लोग हैं जिनको शायद बुरा भी लग जाता होगा, जिसमें उनको शायद जलन भी होती हो मे बी कि वाई आर पीपल फॉलोइंग मी, लोग मेरी बात क्यों सुनते हैं, लोग मुझे अच्छा क्यों बोलते हैं, लोग मेरी तारीफ़ क्यों करते हैं। शायद इस बात की कुछ लोगों को जलन भी है, इस वजह से भी वो मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन मैंने अपनी कहावत बना रखी है कि मैं अपनी हथौड़ी अपने हाथ रखता हूँ, न मैं किसी की प्रशंसा से चढ़ता हूँ, न मैं किसी की आलोचना से उतरता हूँ। ये मैंने ज़िंदगी में एक मेरा मूल मंत्र है कि मेरी आप कितनी ही तारीफ कर दीजिए मैं चढ़ूंगा नहीं, या मेरी आप कितनी ही आलोचना कर दीजिए, गिने चुने लोगों को मैंने ये हक दे रखा है, और वो गिने चुने लोग स्वाभाविक हैं, मेरे माता पिता हैं और मेरे गुरुजन हैं। अगर मेरे गुरुजन मुझे कहते हैं कि हाँ निशाद कुछ तुमने किया, हाँ ये बदलाव आया, इतना भी अगर कह दिया ना मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि नहीं निशाद तुम में कमी हो गई है, कमतर हो गया मामला, तो मुझे भी दुख होता है, तो मुझे लगता है नहीं काम करना पड़ेगा भैया, है कि नहीं। तो अपना एनालिसिस मैं खुद करता हूँ या फिर
चंद ऐसे जने हैं जिनको मैं देता हूँ। स्वाभाविक के गुणी जन जितने हैं, जितने कलाकार हैं, वो मुझसे ऊपर ही हैं। अच्छा, कई लोगों का यह भी रहता है कि मैं जब गुणियों का नाम लेता हूँ तो मैं कान नहीं पकड़ता। जब मैं बोल रहा हूँ कि बड़े गुलाम अली खान साहब या मेहदी हसन खान साहब, तो मैं कान नहीं पकड़ रहा। इस पर मैंने सेपरेट एक वीडियो दिया है कि मैं क्यों कान नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि ये मेरी परंपरा ही नहीं है। मुझे सिखाया ही नहीं गया कभी ऐसा करने को, कहा ही नहीं करने को। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ उनका नाम लेके जो मैं कान पकड़ूँ। मेरे मन में उनके लिए असीम प्रेम और असीम इज्जत है। वो लोग जो मेहदी हसन खान साहब को या गुलाम अली जी को या किसी को भी पूछते हैं या पूजते हैं ना, उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो असल में उनकी यहाँ से इज्जत करते हैं। मैं असल में यहाँ से उनकी इज्जत करता हूँ, तो मैं उनका नाम लूँगा तो मैं दिल पे हाथ रखूँगा, दिल से मेरी इज्जत आती है। मैं अपने आप को उनसे बड़ा नहीं बता रहा हूँ कि मैं उनका नाम फ्रीली ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पूर्ण इज्जत है, तो मैं आडंबरों से या दिखावे से इज्जत नहीं देता हूँ कि इज्जत देनी होगी तो मैं। कई लोग होते हैं जो चरण स्पर्श का मतलब तक नहीं जानते हैं, सिर्फ पाँव छूते हैं, मन से इज्जत नहीं दे रहे हैं। मैं जिनको मन से भी इज्जत देता हूँ, चरण स्पर्श भी करता हूँ, दोनों हाथों से करता हूँ, चरण धोता भी हूँ मैं तो उनके, मैं तो उतनी इज्जत करता हूँ। आई रिस्पेक्ट देम एट दैट लेवल, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं कान नहीं पकड़ रहा हूँ इसका मतलब मैं इज्जत नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कान पकड़ने का कारण अलग है, उस पर सेपरेट वीडियो को देख लीजिएगा। अब मैं इसको और लंबा कर दूँ उस टॉपिक को भी इसमें इंक्लूड करके तो ये ठीक नहीं होगा। तो ये कुछ कुछ बातें हैं और कि मैं क्यों सिखाता हूँ, और उसमें सबसे ऊपर यही चीज़ है कि मुझे अच्छा लगता है सिखाना, दैट इज़ ऑल। पैसे के लिए नहीं, फेम के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं। मुझसे आप मेरा YouTube चैनल ले लीजिए, मैं तब भी वैसा ही सिखाऊंगा। मेरे पास आएंगे लोग, मैं तब भी वैसे ही सिखाऊंगा। मेरे पास मैसेजेस आते हैं, लोगों के सवाल आते हैं, मैं तब भी उनको जवाब देता हूँ। बस ये है कि कई बार वक्त की तंगी की वजह से वक्त पे सवाल के जवाब नहीं दे पाता हूँ, कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, कॉल्स के जवाब नहीं दे पाता हूँ। उसको लेके भी कई लोग मुझे कहते हैं कि तो सेलिब्रिटी हो गए हैं, ये तो बड़े लोग हो गए हैं, मगर सबको खुश नहीं रख सकते, ये वाली भी बात है ना। मैं अपने आप बहुत कोशिश कर लेता हूँ लेकिन तब भी सब खुश नहीं हो पाते। सारी कोशिशें मेरी सफल नहीं होंगी, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिशें बढ़ाता रहता हूँ। ये ही कुछ बातें हैं कि जो भी मुझसे कुछ पूछ ले तो खाली हाथ ना जाए, उसकी मदद हो जाए तो क्या बुरा। ज्ञान झाड़ने के लिए नहीं, मुझसे बिना किसी ने पूछा नहीं कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा और मैं वहाँ पर जाके ज्ञान पेल रहा हूँ, ऐसा आप मुझे कभी नहीं देखोगे। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं कि थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता है, कोई परफॉर्म कर रहा है तो बगल में मेरे बैठे और बोले जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, देखिए यहाँ पे वो मिस्टेक हो गई, ये तो ऐसा गा रहा है, ये तो वैसा गा रहा है। ये काम मैंने कभी नहीं किया। मुझे मालूम चल रहा है वो सुरीला है कि बेसुरा है, लेकिन मेरे चेहरे पर मैंने कभी जाहिर होने की आदत नहीं डाली कि वो यहाँ दिख जाए कि वो बेसुरा है, तुरंत मैं कहता हूँ अरे तुम तो बेसुरा। नहीं, न सिखाते वक्त न सीखते वक्त, ज़बरदस्ती का ज्ञान पेलने की मुझे आदत नहीं है। पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे अगर मालूम है तो। और आखिरी बात मैं यही बोलूंगा इसमें, क्योंकि जो मेरे नाम के पीछे की फ़िलासफ़ी है, जो मैंने एक वीडियो में समझाई भी थी, वो यही है कि निषाद राज जो हैं वो खेवनहार हैं, वो लोगों की नैया पार लगाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। दैट्स द फिलासफी बिहाइंड माई नेम। ये मेरे पिताजी की सोच थी, उन्होंने इसीलिए मेरा नाम निषाद रखा है। दैट इज़ वाई आई हेल्प पीपल एंड आई विल कीप ऑन हेल्पिंग पीपल, भले लोग मुझे अच्छा कहें या बुरा कहें, क्योंकि उससे मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है। मुझे संतुष्टि मिलती है लोगों की मदद करके, मुझे संतुष्टि मिलती है एक मुस्कान देखकर सामने वाले के चेहरे पर जब उसके सवाल का जवाब उसे मिल जाता है। तो हाँ, अगर चार लोग भी बचेंगे जो चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ, मैं सिखाऊँ, मैं बताऊँ कुछ ना कुछ, अगर उन्हें मेरे सिखाने का बताने का तरीका अच्छा लगता है तो आई कीप ऑन डूइंग इट। उन चार लोगों के लिए ही सही, अपने लिए ही सही। जब मेरे पिताजी एक व्यक्ति के कहने पर पूरा चैनल दोबारा शुरू कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों इसे कंटिन्यू ना करूं। हाँ, लेकिन मैं सीखता रहूंगा हमेशा। मैं ये जानता हूं कि सीखना कभी भी पूर्ण नहीं होता है, तो आई कीप ऑन लर्निंग एंड आई स्टिल आई एम। आज भी मैं अपने गुरुओं के संपर्क में हूं, कुछ ना कुछ जब उनसे मिलता हूं, कुछ सीखता हूं, स्टूडेंट से सीखता हूं। सीखना मैंने कभी बंद नहीं किया और कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये कभी पूर्ण नहीं होने वाला है, मैं कभी परिपूर्ण नहीं होने वाला हूं, इस चीज़ से मैं वाकिफ हूँ। तो मैं सीखता रहूंगा और सिखाता रहूंगा, बिकॉज फॉर मी टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न, ये मैंने जाना है। क्योंकि जब जब मैंने किसी को कुछ कुछ सिखाया है, तब तब मैंने उसी टॉपिक को अलग नज़रिए से देखा है। एक ही स्टूडेंट को मुझे हज़ार तरीके से वो बात समझानी पड़ती है, तो वो अलग अलग पैंतरे मुझे अश्योर कर गए। वही चीज़ जब मैंने वो चीज़ दोहराई तो मेरे माइंड में वो पक्की हो गई। तो कहीं ना कहीं ये मेरा स्वार्थ भी है,
कि मैंने उस चीज़ को और गहराई से जाना है, उसी लय को मैंने हज़ार लोगों को सिखाया है ना, तो हज़ार बार उस लय पर मैंने सोचा है, तो मैं अपने आप को और अच्छा करूँगा, पक्का करूँगा, सुरीला करूँगा, लयदार करूँगा, अपनी अलग अलग सिंगिंग स्टाइल्स सीखूँगा, हासिल करूँगा। ये आप सभी लोगों से मेरा वादा है और वो आपको सिखाऊँगा। नए नए प्रकार का संगीत सीखूँगा, अलग अलग जाके अलग अलग लोगों से मिलके अलग अलग ज्ञान लूँगा और वो आप सभी लोगों तक पहुँचाऊँगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। और हाँ, जो अहम होता है या जो घमंड होता है, वो अगर इतना सा भी अगर मेरे अंदर कहीं किसी को दिखता है, तो मैं इस चीज़ को कह दूँ कि अगर वो मेरे अंदर होता या अगर है, तो सरस्वती माँ की कृपा मुझ पर नहीं होगी। ये मैं बखूबी जानता हूँ। मेरे नॉलेज में, मेरी कला में पतन होना शुरू हो जाएगा, इसको मैं बखूबी मानता हूँ। मैं हूँ उतना स्पिरिचुअल संगीत को लेकर, इसीलिए मैं ये चीज़ जानता हूँ। अगर कहीं भी मेरी अंदर प्राइड या एरोगेंस आपको दिखे, दिखे न दिखे, मेरे अंदर अगर आ गया इतना सा अंश भी, वहीं मेरा पतन शुरू होगा। ये मैं जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ। तो मैं कहीं भी कोशिश नहीं करूँगा कि मैं थोड़ा सा यूँ दिख जाऊँ कि हाँ मुझे आता है, हाँ भैया मुझे पता है ये वाली बात। मैंने तो ये ज़्यादा सीखा कि जहाँ मुझे पता होता है मैं वहाँ भी नहीं बोलता हूँ। मुझे वो बात पता भी है तो भी मैं चुप बैठा हूँ। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, अगर ऐसी गैदरिंग में मैं बैठा हूँ जहाँ लोगों को लग रहा है यार इसको तो पता ही होगा, है ना, या इनके सामने कैसे बोलें, जो लोग कई बार भय खा जाते हैं कि यार इनसे तो क्या बोलें, तो वो ज़रूरत भी नहीं है वैसा रखने की अपने आप को। मेरे सामने आप फ्री रह सकते हैं, मेरे साथ जो रहता है वो फ्री रहता है। मेरा ऐसा नेचर है कि मैं कोशिश करता हूँ वैसा करके रखूँ कि कहीं भी गलती से भी उनको ये ना लग जाए कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। नहीं, मदद करने का, सच बोलने का भी एक तरीका होता है, वो मैंने सीखा है कि किस तरह से उसको वो सच बताना है कि तुम बेसुरे हो या नहीं हो। तो वो वाली बात है कि सक्षमों को तो सब सिखाते हैं, असक्षम को बहुत कम लोग सिखाते हैं। मैं एक असक्षम विद्यार्थी था और हूँ, और जैसा कि मैं कहता हूँ कि मैं भले ही एक अच्छा कलाकार नहीं हूँ, एक अच्छा गुरु नहीं हो सकता हूँ, लेकिन एक अच्छा शिष्य हूँ। आई एम अ गुड स्टूडेंट बिकॉज आई हैव लर्नड हाउ टू लर्न। सीखने से पहले ये सीखा जाता है कि सीखें कैसे, ये मेरे पिताजी ने सिखाया है। ठीक है, आई होप बहुत ज़्यादा बड़ा ना हुआ हो, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें ज्ञान ना पेल दिया हो, फिर लोग कहेंगे कि तुम फिर ज्ञान देना शुरू हो गए। इट्स जस्ट एक्सपीरियंस, जो मैंने अर्न किया है वो बांट रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ सीखने को, जानने को आपको मिला हो तो आई एम ग्लैड, नहीं भी मिला है तो फिर आपका कोई सवाल लेके आ जाऊँगा, कोई टॉपिक लेके, उसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कम लोग ये वीडियो देखेंगे ऐसा भी मुझे लगता है, लेकिन ठीक है, जो कम देखेंगे शायद उनको कुछ जानने को मिलेगा मेरे बारे में एटलीस्ट। वरना हाँ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ टू एवरीबडी, ना सब लोग मुझे प्यार करें ऐसा भी नहीं हो सकता, सब लोग ये जाने कि हाँ ये बहुत अच्छा है ये भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो कभी कभार अगर मेरा मन किया ये एक्सप्लेन करने का, तो मैं कर दूंगा ऐसे वीडियोज़ के माध्यम से। वरना मैं ज़्यादा लोगों को समझाता भी नहीं हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। कई लोग मुझे जो घमंडी समझते भी हों, तो भी मैं वहाँ जाके ये एक्सप्लेन नहीं करता कि नहीं मैं नहीं हूँ। नो, मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की ज़रूरत है, मेरा काम बोलता है मेरी ज़बान से ज़्यादा। शुक्रिया।